बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था मिनिमा प्री सेल के बारे में, तो आज उसकी प्री सेल का जो प्राइस लिस्ट आ गया। काफी दिनों से मैं पूछ रहा था एडमिन से कि भाई प्राइस लिस्ट क्या है, कितने में लिस्ट होगा, कुछ तो बता दो। तो उन्होंने जब तक तो कुछ डिस्क्लोज किया नहीं। आज जो सेल की डेट पास आ गई है, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, जो भी इसका इनका जो प्री सेल का जो डिस्क्लोज किया है प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं इसको प्राइस के हिसाब से अगर देखता हूँ, देखो प्रोजेक्ट तो हमें पता नहीं है भाई आने वाले टाइम में। अभी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अगर इनके जो इकोसिस्टम को देखें मोबाइल के ऊपर ब्लॉकचेन, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो प्राइस है, कहीं ना कहीं मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा प्राइस लग रहा है। कभी सोचा नहीं था इतना प्राइस हो सकता था इसका। तो इन्होंने प्री सेल में ही 21 सेंट, 24 सेंट, 27 सेंट और 30 सेंट रखा हुआ है। तो मतलब इन्होंने पता नहीं क्या सोचा हुआ है, कब ये 1 बिलियन जाएगा, कब जाके इसका प्राइस $1 होगा। तो कहीं ना कहीं इसके जो प्राइस को लेके मुझे इश्यू है। दूसरी चीज क्या है, जो ये रिलीज कर रहे हैं, जो जो टोकन है 100% ये लॉन्च के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे को जो मैंने खरीदे 100 टोकन पहले दिन में ही, तो उस मतलब मुझे जब भी लॉन्च होगा तो 100 के 100 टोकन मुझे मिल जाएंगे। जब मुझे 100 टोकन मिल जाएंगे, अगर 1,000 लोगों को 100 100 टोकन मिलेंगे, तो सारे के सारे ये डंप करने की सोचेंगे ना, यहाँ से डबल भी हो गया तो कौन वेट करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में टोकन का जो प्राइस है, और जो इन्होंने रिलीज शेड्यूल रखा है 100% एट लॉन्च, तो कहीं ना कहीं मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। तो प्लीज सोच के भी जो मिनिमम की प्री सेल में पार्टिसिपेट मत लेना। सोचा था काफी कुछ, लेकिन कुछ और निकला, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपने पार्टिसिपेट लेना है। मिनिमा की प्राइस, इस प्राइस के ऊपर अगर बाय करोगे, तो कहीं ना कहीं डंप होने के बाद डाउन आ सकता है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इसके प्री सेल में पार्टिसिपेट लेने के लिए, बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था अलर्ट करने के लिए। दोस्तों, आई होप कि मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करते आप। अगर आप नहीं करते, तो ये जो वीडियो को बड़े सीरियसली लेना, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में पार्टिसिपेट लेने का। और आपको भी बोलता हूँ कि इससे दूर रहना, किसी भी तरह की प्री सेल में पार्टिसिपेट मत लेना, जब तक जो प्राइस है वो कम ना जाए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये मैं बताता हूँ आपको। अगर आप देखो कि अगर मार्केट में देखा जाए, तो जो वो 1 बिलियन का आपको 21 सेंट में मिल रहा है, तो 21 सेंट, हाँ 21 सेंट में जो पहली सेल में 21 सेंट में मिल रहा है, तो यह 100 मिलियन का आप 18 सेंट में अनमार्शन नहीं ले लोगे क्या? ठीक है, तो और उसके अलावा NFT भी 2 सेंट के ऊपर मिल रहा है, ये भी 1 बिलियन है। तो कौन किसको किसी ने पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा किसी को भाई, वो इतना महंगा टोकन लेगा। अभी आपका जो टोकन मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हुआ, और जो कैसा रिएक्ट करेगा लोगों के साथ, तो वो ये भी नहीं पता। तो उसके बाद अगर आप देखो तो बीम स्वैप का टोकन 3 बिलियन है, लेकिन बर्निंग हो रही है, हो सकता है कि 2 बिलियन हो जाए। तो वो कितने, जो 3 बार 0 के बाद 9, इतना अच्छा इकोसिस्टम है। तो ओपन दाव को अगर देखेंगे, इसका भी कितना कम प्राइस है। कोई ये थोड़ी है कि भाई किसी भी प्राइस के ऊपर बाय कर लेंगे किसी भी चीज को। वन आई एम मी लैब, इसका दोस्तों 1 सेंट है 1 बिलियन सप्लाई के साथ। तो दोस्तों इसमें नहीं पार्टिसिपेट लेगा कोई, कोई उसमें क्यों पार्टिसिपेट लेगा? ये वीडियो जो जो देख रहा है, इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट मत लेना, खुल के बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। बाकी जो जिसने कैलकुलेट नहीं किया होगा, वो तो लेगा ही लेगा, कोई बात नहीं, उसको पता नहीं है बेचारे को। बट आप लोग नहीं लेना इसमें पार्टिसिपेट, ठीक है? फिर छोटा सा वीडियो तो आपको अलर्ट करने के लिए कि मिनिमा की सेल में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं लेना, बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर हमें इन्वेस्टिंग करना है, तो हम इसमें नहीं करेंगे, हम किसी और दूसरे टोकन जो इससे 10 गुना सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर समझेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।